हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आज अपनी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अमोनिया बनाने की विधि। बेटा अमोनिया बनाने की विधि प्रयोगशाला भी है, लेकिन हम लोग अमोनिया बनाने की औद्योगिक विधि पढ़ेंगे। इस औद्योगिक विधि को अमोनिया बनाने की हैबर विधि भी कहते हैं, इसे अमोनिया बनाने की हाबर विधि भी कहते हैं, और इसे अमोनिया बनाने की व्यापक विधि भी कहते हैं। किसी भी तरह एग्जाम में ये पूछ सकता है, जैसे कि मैंने मेंशन किया है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इसका फिगर बना लीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं, सबसे पहले आपको पता है लोगों को क्या लिखना है, सिद्धांत। तो आप अपनी फिगर बनाने से पहले सबसे पहले आप लिखेंगे सिद्धांत। मैं तरीका बता रहा हूं एक बार फिर से, मैंने कई वीडियो में आपको बताया है सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, सिद्धांत। सबसे पहले आप सिद्धांत लिखेंगे, सिद्धांत के बाद फिगर बनाएंगे, और फिगर के बाद बच्चों फाइनली आप विधि लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए सिद्धांत में आप क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन का 1:3 मिश्रण लेकर उसे आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में 700 केल्विन के ताप पर तथा 200 वायुमंडलीय दाब पर अभिक्रिया कराकर अमोनिया गैस प्राप्त की जाती है। इतना लिखेंगे, और लिखने के बाद बच्चों रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन कैसा लिखेंगे, मैं यहां पर रिएक्शन मेंशन कर रहा हूं। तो बच्चों 1 मोल नाइट्रोजन के 3 मोल हाइड्रोजन के, बच्चों ये आपस में क्रिया करती है, तो क्रिया करके बना लेती है 2NH3 अमोनिया बनाता है। बच्चों देख रहे हैं इस रिएक्शन में आप एक रिवर्सिबल साइन लगाया है, उत्क्रमणीय व्यवस्था है यहां पर। बेटा है क्या, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके वापस अमोनिया बना लेता है, और अमोनिया वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में विघटित हो जाती है। तो बेटा इस प्रोसेस में बहुत कम मात्रा में अमोनिया बनती है। तो बताइए अधिक मात्रा में, अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि अधिक मात्रा में अमोनिया का उत्पादन करने के लिए क्या क्या आप व्यवस्था करेंगे, तो बेटा अधिक मात्रा में यदि आपको अमोनिया बनाना है तो सबसे पहली बात दाब अधिक होना चाहिए, दूसरा पॉइंट ताप कम होना चाहिए, तथा उत्प्रेरक के रूप में आप लोहे का चूर्ण तथा उसके लिए वर्धक का प्रयोग आप मॉलिब्डेनम के रूप में करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों सिद्धांत, जैसा कि मैंने आपको बताया क्या लिखना है। सिद्धांत के बाद आप रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भैया अमोनिया के उत्पादन के लिए क्या व्यवस्था होगी, तब जो चीजें मैंने आपको बोली है वो लिखेंगे। फिर आप फाइनल फिगर बनाएंगे, और उसके बाद आप बनाएंगे विधि। ठीक है, विधि क्या है देखिए, सबसे पहले नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन का 1:3 मिश्रण लेते हैं। ठीक है, यानी नाइट्रोजन का 1 मोल तथा हाइड्रोजन के 3 मोल, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन का 1:3 मिश्रण लेकर उसे सबसे पहले कंप्रेसर पंप में भेजते हैं। कंप्रेसर पंप का काम यह है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अच्छे से मिक्स कर लेना, अच्छे से एक समांगी विलयन बना लेना, अच्छे से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद कंप्रेसर उसे वापस कहां पर भेजता है, उत्प्रेरक कक्ष में भेजता है। उत्प्रेरक कक्ष में लोहे का चूर्ण तथा उस पर मॉलिब्डेनम का चूर्ण भी भरा होता है। यहां पर आयरन बच्चों एक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, जबकि मॉलिब्डेनम एक वर्धक का कार्य कर रहा है जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाएगा। ठीक है, साथ ही साथ इस कक्ष में जो ताप होगा वो लगभग 700 केल्विन का ताप होगा। इसके अलावा यदि आप सेंटीग्रेड में टेम्परेचर देखें तो वो लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा। तो आप चाहे केल्विन पर लिखिए चाहे सेल्सियस पर लिखिए। ठीक है, तो अब और आगे देखते हैं, एक बार मैं स्टार्टिंग से बताता हूं। सबसे पहले नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन का 1:3 मिश्रण लेकर उसे कंप्रेसर पंप में भेजते हैं। कंप्रेसर पंप उसे अच्छे से मिक्स करके उसका मिश्रण बना देता है, और उसे उत्प्रेरक कक्ष में भेजता है। उत्प्रेरक कक्ष में लोहे का चूर्ण तथा मॉलिब्डेनम का चूर्ण भरा होता है, जहां इस कक्ष में उपस्थित टेम्परेचर 700 केल्विन का होगा तथा वायुमंडलीय दाब 200 का है। यहां पर पहुंचे हुए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस कक्ष में रासायनिक अभिक्रिया करता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके अमोनिया में बदल जाता है, जो वापस उत्प्रेरक कक्ष से निकलकर संघनित्र कक्ष में पहुंच जाता है। संघनित्र कक्ष के ऊपरी हिस्से पर ठंडा जल भरा होता है, और उत्प्रेरक कक्ष से निकलने वाली गैसों में
नाइट्रोजन हाइड्रोजन तथा अमोनिया होता है, जिसमें अमोनिया की मात्रा अधिक होती है तथा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मात्रा कम होती है। ठीक है, ये गैसें संघनित्र कक्ष में पहुंचती है, तो अमोनिया बहुत ही सिंपल और साधारण गैस है, वो इस ठंडे जल में आते ही वो तुरंत द्रवित हो जाती है और नीचे तले पर द्रव अमोनिया के रूप में इकट्ठा हो जाती है, जबकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस ठंडे जल में लिक्विड में नहीं बदलती, और लिक्विड में नहीं बदलने के कारण वो यहां से नली से होकर वापस सर्कुलेशन पंप में पहुंच जाती है। सर्कुलेशन पंप का काम यह है वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को वापस उत्प्रेरक कक्ष में भेजना, जहां उस कक्ष में आकर लिखा है अप्रयुक्त नाइट्रोजन हाइड्रोजन, अप्रयुक्त जो यहां से निकल रही है इसे ही बोलते हैं अप्रयुक्त नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, वापस फिर से इस चैम्बर में पहुंचती है और यहां पर फिर उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया करती है, फिर अमोनिया आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाकर फिर संघनित्र पर पहुंचती है और अमोनिया ठंडी होकर वापस फिर से द्रवित हो जाती है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वापस फिर से निकास नली से होकर सर्कुलेशन पंप में फिर से पहुंचती है उत्प्रेरक कक्ष में, और ये क्रिया चलती रहती है। ठीक है बच्चों, ये था आपका अमोनिया बनाने की हैबर विधि। हाँ बच्चों, कभी कभी अगर आपसे कोई पूछ ले क्या कारण है कि अमोनिया जो है वो लिक्विड में बदल गई लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिक्विड में नहीं बदली, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बेटा इसका उत्तर ये है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का क्रांतिक ताप कम होता है इसीलिए ये लिक्विड में नहीं बदलती। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। यदि समझ में आई हो तो सबसे पहले आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।